बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या होता है और इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास क्या हैं, सबसेट क्या होता है और फिर कुछ सेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सेट क्या होता है। सेट को जो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। जैसे आपके पास देखें एक फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड हैं। 1 2 3 4 वेल डिफाइंड हैं, हम इनको जानते हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसको फिर हम एक सेट का नाम दे देते हैं। अब मेथड्स पढ़ेंगे कि हमारे पास सेट को लिखने के, ब्रीफली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मेथड्स टू राइट अ सेट। बच्चों, हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, जैसे इसी सेट की अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स, यानी जिसमें हमने डिस्क्राइब करना होता है सेट के एलिमेंट्स के बारे में कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं। हमने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको डिस्क्राइब कर दिया, उर्दू में उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो डिस्क्राइब करके लिख दिया, एक वजाहत उसके बारे में लिख दी, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है किसी सेट को लिखने का। सेकेंड जो हमारे पास इसका मेथड है जिसे हम बोलते हैं टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड क्या होता है, जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं। जैसे फर्ज करें, ये जिसे मैंने ऊपर लिखा है एस इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो हम मैंने क्या किया, सेट के एलिमेंट्स जो थे उनको लिस्ट करके लिख दिया, कॉमर्स के साथ उनको लिस्ट किया और कर्ली ब्रैकेट्स में उसको इनक्लोज कर दिया। तो ये जो नोटेशन है सेट को लिखने की, इसे हम बोलते हैं टेबुलर नोटेशन। थर्ड है बच्चों हमारे पास, इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करके सेट को बिल्डअप करने का एक मेथड डिस्क्राइब कर देते हैं उसके अंदर। जैसे इसी सेट को अगर हम लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस के अंदर एक्स एलिमेंट्स हैं सच डैट एस के अंदर एक्स की तरह के एलिमेंट हैं, और ये एक्स को आप डिस्क्राइब करेंगे और उसको बताएंगे कि ये कहाँ से है, किस सेट से बिलोंग करता है और ये कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आप हम कहेंगे कि एक्स है सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से होना चाहिए एंड और एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो हमने सेट को लिखने का एक तरीका बता दिया यूजिंग द मैथमेटिकल नोटेशंस, तो इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ये हमारे पास जो थ्री मेथड्स हैं किसी भी सेट को लिखने के, ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसेट क्या होता है हमारे पास। फर्ज करें हमारे पास दो सेट हैं, फॉर ए वी बी टू सेट्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ
एक्स बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स ए में हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एम्प्टी सेट जो है वो किसी का सबसेट, किस सेट का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट सेट भी है या नहीं। तो याद रखें एम्प्टी सेट जो है अपने आप में एक सेट है, एम्प्टी सेट जो है वो एक सेट है, उसको इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखा जाता है एम्प्टी सेट। ये बच्चों हमारे पास एक सेट है, और सेट को, ये सेट क्यों है, इसलिए कि ये भी एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नथिंग, किसी चीज़ की कलेक्शन, मतलब कलेक्शन तो है। जैसे हम कहते हैं कि अगर अगर हमारे पास एक क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उन सब की उम्रें 20 साल से कम हैं, और हम ये कहें कि अ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हुज एजेस आर ग्रेटर देन 20, तो हमारी क्लास में तो सारे बच्चे 20 से कम हैं, तो इस कलेक्शन में कुछ क्या कुछ आएगा, इस कलेक्शन में तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नथिंग हमारे पास, इसमें आएगा कुछ नहीं लेकिन ये कलेक्शन तो है, इसलिए एम्प्टी सेट जो है वो एक सेट है। और याद रखें अगर हम कोई भी सेट लेंगे एस, तो एम्प्टी सेट हमेशा उसका सबसेट होगा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एम्प्टी सेट जो है वो एस का सबसेट क्यों है। तो याद रखें हमने जो डेफिनेशन किया है कि ए को बी का सबसेट बोलेंगे उस वक्त जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे। अब अगर ए में एलिमेंट ही कोई ना हो, हमारी कंडीशन जो थी कि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो सारे इसमें होने चाहिए, अब इसमें एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो एलिमेंट होता तो उसको बी में होना चाहिए था, अगर इस सेट के अंदर एलिमेंट होता तो उसको बी में होना चाहिए था हमारी शर्त के मुताबिक, इसमें एलिमेंट है ही कोई नहीं, इसका मतलब है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट में जो हमारे पास है कुछ वेल नोन सेट्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स, उनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और बास बुक्स वाले इसको 0 से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि इस सेट के अंदर, इस बुक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को 0 से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज जनरली जो एक आम आइडिया है हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर क्या कुछ आ जाएगा, इसके अंदर 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर ज्यादा, सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सिर्फ एक नंबर ज्यादा है, 0। तो अब अगर हम ये, तो इसको इसको एक और नाम भी देते हैं बच्चों, इसको हम ये भी कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स को हम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद अगर हम इसके अंदर जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लें, तो वो हो जाता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। तो उसके अंदर हमारे पास सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, डॉट 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 टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2, so on। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 0, +-1, +-2, +-3, up to so on। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो इससे भी एक बड़ा सेट है। इसको थोड़ा अच्छा करके बना लेते हैं बच्चों।
सबसे छोटा जो मेरे पास सेट है वो कौन सा था? वो हमारे पास था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जो हमारे पास सेट आया बच्चों वो कौन सा आया सेट? वो सेट ऑफ होल नंबर्स आ गया। उसके बाद जो हमारे पास सेट आया है वो कौन सा आया है? सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये सेट ऑफ होल नंबर्स है और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसके बाद मजीद इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बच्चों ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है हमारे पास। होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स। अब देखते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो जो रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, सच डैट पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे सेट को फिर हम बोलते हैं ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। ऐसे नंबर को जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम एक रैशनल नंबर बोलते हैं। बच्चों इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि रैशनल नंबर जैसे आपके पास 2/3 है। अब देखें 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, 2 और 3 दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो क्यू है हमारा 3 है और 3 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन एक और बात यहाँ पे याद रखें, बस लोग इस डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ का इजाफा करते हैं वो ये कि इन दोनों नंबर्स जो हैं, ये दोनों नंबर्स हैं ये लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, यानी ये रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। अब बच्चों रिलेटिवली प्राइम कौन से नंबर होते हैं? रिलेटिवली प्राइम उन नंबर्स को बोला जाता है जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। अब देखें जैसे 4/6 है, अब 4/6 जो है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2/3, 2 2 4, 2 3 6। क्यों लोएस्ट फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इस वक्त 2 है इनका। लेकिन ये जो नंबर है ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनको हम इस तरह भी लिखते हैं 2/3 इज इक्वल टू 1, और बाद लोग इसको इसका इजाफा भी कर देते हैं GCD ऑफ 2 3, 2/3 इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेशन के अंदर कभी इस चीज़ का इजाफा किया जाता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, सच डैट पी और क्यू इंटीजर्स हों, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम हो, यानी उनका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। अब आपसे कोई पूछता है कि 3 और 6 ये रिलेटिवली प्राइम है? नहीं, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 3 है, 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स को तो आपको पता है वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने अलावा किसी भी पॉजिटिव नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जो आपस में प्राइम हो, यानी आपस में उनके लिए एक कोई ऐसा नंबर 1 के अलावा मौजूद ना हो जो उन दोनों को एक ही वक्त में डिवाइड करे, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि ये इनका तो GCD 3 है। इसी तरह 4 और 6, इनका GCD ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, और 1 से बड़ा है 2, ये जो 2 आ गया इसका मतलब है ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है। लेकिन 4 और 5 जो ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि हमारे पास 1 के अलावा 1 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 5 को एक ही वक्त में डिवाइड करे, तो इसका मतलब हो गया कि 4 और 5 ये रिलेटिवली प्राइम है। तो अगर इस तरह लिखा जाए तो हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे।
ये भी एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन इसको हम लोएस्ट फॉर्म में पहले लिख लेंगे, 2/3 की फॉर्म में लिख लेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे ये एक रैशनल नंबर है। √3/2 बच्चों एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रैशनल नंबर? क्योंकि जो पी है यहाँ पे हमारा √3, ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों जो नंबर हैं पी और क्यू, पी और क्यू दोनों नंबर्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए, और ये तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरह बच्चों हमारे पास इसी डेफिनेशन के मुताबिक 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, क्यू 0 नहीं है, और ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं। इसी तरह 15/19 कुछ भी आप लिख लें, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। पाई रैशनल नंबर नहीं है, पाई एक इरेशनल नंबर है, याद रखें। पाई इज इरेशनल, याद रखें। तो बच्चों ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हो गए। अब हर वो नंबर जो रियल है और रैशनल नहीं है, हर वो नंबर जो रियल है, हर रियल नंबर जो रैशनल नहीं है, उसे हम बोलेंगे ये एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को हम यहाँ से ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कैसा नंबर? जो रियल नंबर है और सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। वो जो सेट ऑफ जो इरेशनल नंबर है वो इसके बाहर होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और जो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है उसे हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये पूरा जो सेट है आपको नजर आ रहा है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों एक और बात आपको याद रखनी चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखें सबसे छोटा सेट है, उससे बड़ा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर है उससे बड़ा सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो तो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है हमारे पास। किसका? सेट ऑफ होल नंबर्स का। सेट ऑफ होल नंबर प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और सेट ऑफ इंटीजर्स प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ दोनों मिलके सेट ऑफ रियल नंबर्स को बनाते हैं। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात आ गई है, तो इसको भी याद रखें कि प्रॉपर हमारे पास नंबर प्रॉपर सेट्स कौन से होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, और इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं। जब आपके पास कोई भी सेट है एस, तो हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट जरूर होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और सेट इटसेल्फ अपना सेट जो है, हर सेट अपना जरूर सबसेट होता है। तो ये दो सेट किसी भी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। इनके अलावा एस के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे रिमेनिंग, इनके अलावा एस के जितने भी सबसेट होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट्स। जैसे अगर हमारे पास एक सेट है एस इज इक्वल टू 1 2 3, तो अब अगर हम इसका पावर सेट लिखें जिसमें इसके सारे सबसेट हैं, एम्प्टी सेट आ गया 1
ये आप सारा पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3, इसके सबसेट होंगे 8, तो एक एक एलिमेंट लिख लिया। वन टू वन थ्री टू थ्री एंड वन टू थ्री, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये इसके 8 सबसेट हैं। तो ये तो सेट इटसेल्फ हो गया और ये एम्प्टी सेट। इसके अलावा ये सेट, ये सबसेट, ये सबसेट, ये सारे जो 6 सबसेट्स हैं इसके, ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, और एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ ये इसके इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, सेट ऑफ जो नंबर्स हैं हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स हैं इनको आपने अच्छी तरह से समझना है, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये आपने समझना है। यहाँ से हम एक और बात, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जो देखें हर जो नेचुरल नंबर है, क्योंकि वो बिल्कुल इधर पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंदर पड़ा हुआ है, तो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी है, ठीक है, हर नेचुरल नंबर एक इंटीजर भी, हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर भी है, और हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर भी, क्योंकि इसका सबसेट है। सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में मौजूद हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स के अंदर मौजूद होंगे। तो हर नेचुरल नंबर अपने से बड़े सेट का क्योंकि सबसेट है, तो इसलिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रैशनल भी होगा और रियल भी होगा, और हर होल नंबर इंटीजर भी होगा, रैशनल भी होगा और रियल भी होगा, हर इंटीजर रैशनल भी होगा, रियल भी होगा, हर रैशनल नंबर रियल नंबर जरूर होगा। लेकिन उल्टा आप नहीं चल सकते, ये नहीं कह सकते कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर नहीं है। हर इंटीजर होल नंबर नहीं है, हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो है वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरतीब को आपने याद रखना है। इसके जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।